हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम करेंगे। इससे पहले हमने मेन कोर्स बुक के 4 चैप्टर्स कर लिए। लेसन 1 द हैप्पी प्रिंस, लेसन 2 वेयर इज साइंस टेकिंग अस, लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड लेसन 4 द गिफ्ट फॉर क्रिसमस। इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक 4 चैप्टर्स नहीं किए वो कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर्स की इंग्लिश प्रोज सेक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल चैप्टर नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम डेथ द लेवलर, रिटन बाय जेम्स शर्ली। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया है और उनके वर्ड्स मीनिंग मैंने हिंदी में साथ में लिखी ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। और उसके अलावा मैंने हर एक स्टैंजा के नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको जो पोएम है और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पोएम डेथ द लेवल। द ग्लोरीज ऑफ अवर ब्लड एंड स्टेट आर शेडोज, नॉट सब्सटैंशियल थिंग्स। जो हमारा ब्लड और स्टेटस है, यानी कि जो हमारा जन्म है और रुतबा है, उसकी जो शान है, प्रसिद्धि है, गौरव है, यश है, ये सिर्फ एक परछाया है, ये एक सिर्फ साया है। नॉट सब्सटैंशियल थिंग्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। यानी कि जो हमारा जन्म होता है या हमारे रुतबे की जो शान प्रसिद्धि होती है, ये एक क्या है, कई बार तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि हम फेमस होने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में हो जाते हैं, डाउनफॉल में चले जाते हैं। यानी कि ये जो चीज़ें हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं इतनी, ये जो चीज़ें ये ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, ये सिर्फ एक परछाई है। देयर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट, कोई भी ऐसा कवच नहीं बना है जो हमें हमारी किस्मत से सुरक्षित कर सके या जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है उसको टाल सके, यानी कि होने को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा कोई कवच नहीं बना है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, अपने बर्फीले हाथ, ठंडे हाथ किंग्स यानी कि राजाओं पर भी रख देती है। यहाँ पर जो आईसी हैंड है, यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वो उसका जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है, इसीलिए जब डेथ होती है तो जो किंग को भी जो डेथ है वो बख्शती नहीं है, उनको भी मृत्यु आती ही आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट स्टैंजा की 4 लाइंस। इसको मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। द ग्लोरीज ऑफ अवर ब्लड एंड स्टेट आर शेडोज, नॉट सब्सटैंशियल थिंग्स, देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट फेट, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। यानी कि जो आपका जन्म है, रुतबा है, उसकी जो शान है, प्रसिद्धि है, वो सिर्फ एक साया है, ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। कोई ऐसा कवच नहीं बना है जो आपको किस्मत से बचा सके। उसके अलावा जो मृत्यु है वो किंग्स को भी आती ही आती है, जो मृत्यु अपने बर्फीले हाथ, ठंडे हाथ किंग्स पर भी रखती है। यह आपका फर्स्ट स्टैंजे की 4 लाइन्स थी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, ये जो कविता है हम कर रहे हैं इसका नाम क्या है और इसके कवि कौन है। तो इसका नाम है, द नेम ऑफ द पोएम इज डेथ द लेवलर, यानी कि जो डेथ है द लेवलर है, एक हिसाब से
लेवलर है, यानी कि हर एक व्यक्ति के साथ वो एक लेवल सा बिहेव करती है, ट्रीट करती है। द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स शर्ली, यानी कि जो पोएट है उनका नाम है जेम्स शर्ली। सेकेंड क्वेश्चन है, वट आर नॉट सब्सटैंशियल थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, या हम कह सकते हैं वो क्या है जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर है, द ग्लोरी ऑफ अवर हाई बर्थ एंड स्टेटस आर ओनली शेडोज, यानी कि जो हमारा उच्च जन्म है या हमारी जो उच्च स्टेटस है, रुतबा है, उसकी जो शान है, गौरव है, यश है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिर्फ एक साया है, वो एक सिर्फ परछाई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है, जो कि स्टैंजा की लास्ट लाइन भी है। तो इस लाइन का अर्थ है, डेथ स्पेयर्स नॉट इवन किंग्स, जो डेथ है वो इवन यानी कि वो किंग्स तक को भी नहीं बख्शती है, तो कॉमन पीपल को तो बख्शेगी नहीं। इट ट्रीट्स द स्ट्रोंग एंड द वीक अलाइक, जो डेथ है वो चाहे व्यक्ति स्ट्रोंग हो, शक्तिशाली हो, या वो कमज़ोर हो, सबके साथ वो एक जैसा बिहेव करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट होते हैं। सेकंड स्टैंजा है, सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, जो सेप्टर एंड क्राउन है वो एक राजे का प्रतीक है, यानी कि जो सेप्टर है उसे प्रभुत्व राजसत्ता और क्राउन को ताज कहते हैं, ये दोनों ही राजे के सिंबल हैं, प्रतीक हैं, इनको एक ना एक दिन गिरना ही पड़ता है। एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रूक्ड साइथ एंड स्पेड, और क्या होता है, एक ना एक दिन गिरकर इन्हें मिट्टी में, जो मिट्टी है इनको इक्वल कर देती है, बराबर कर देती है राजे को, किसके बराबर कर देती है, विद द पुअर क्रूक्ड साइथ एंड स्पेड, यानी कि दरांती और स्पेड चलाने वाला गरीब किसान और मजदूर के बराबर कर देती है। यानी कि जो साइथ और स्पेड होते हैं वो एक गरीब किसान और गरीब मजदूर के प्रतीक होते हैं। साइथ होती है दरांती और स्पेड होती है एक ऐसा टूल जिससे हम खुदाई करते हैं। यानी कि जो मृत्यु है वो मिट्टी के जरिए एक अमीर शक्तिशाली राजन को एक गरीब दरांती स्पेड चलाने वाले किसान के बराबर कर देती है, इक्वल कर देती है। सो फ्रेंड्स, ये जो पैरा है इसमें जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही अमीर हो, और चाहे व्यक्ति कितना ही कमज़ोर हो, गरीब हो, सब मृत्यु के जो मृत्यु है सबको एक समान कर देती है, एक लेवल पर आकर खड़ा कर देती है। इसीलिए डेथ को क्या कहा गया है, द लेवलर। सो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर इक्वल बिफोर डेथ, यानी कि डेथ के आगे, डेथ के मृत्यु के आगे कौन इक्वल है, कौन बराबर है। तो इसका आंसर है, द माइटी किंग एंड पुअर फार्मर आर इक्वल बिफोर डेथ, यानी कि शक्तिशाली राजा हो और चाहे गरीब किसान हो, सब लोग डेथ के आगे इक्वल हैं, बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द एक्सप्रेशन साइथ एंड स्पेड स्टैंड फॉर, ये जो साइथ है यानी कि दरांती है और स्पेड यानी कि खुदाई करने वाला उपकरण है, ये किसके लिए प्रतीक हैं, किसके स्टैंड फॉर। द एक्सप्रेशन गिवन इज फॉर पुअर फार्मर्स एंड लेबर, ये जो सिंबल है ये प्रतीक है एक गरीब किसान का, एक गरीब मजदूर का, जबकि जो सेप्टर एंड क्राउन है वो है एक अमीर शक्तिशाली राजन का प्रतीक है। थर्ड स्टैंजा है, सम मैन विद स्वॉर्ड्स मे रीप द फील्ड, यानी कि कुछ व्यक्ति तलवारों के दम पर, तलवार के बल पर युद्ध क्षेत्र में युद्ध को जीत सकते हैं। एंड प्लांट फ्रेश लॉरल्स वेयर दे किल, और अपने एनिमीज़ अपने दुश्मनों को मारकर जीत के पुरस्कार भी प्राप्त
कर सकते हैं। बट देयर स्ट्रॉन्ग नर्व्स एट लास्ट मस्ट यील्ड, परंतु अंत में उन्हें जो उनकी स्ट्रॉन्ग नर्व्स है, शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनके जो शक्तिशाली दिमाग है, अंत में उन्हें हार माननी पड़ती है। दे टेम बट वन अनदर स्टील, वो एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे को अपने काबू में अपने वश में कर सकते हैं, पर मृत्यु को अपने काबू में अपने वश में नहीं कर सकते। यानी कि जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं इन फोर लाइन्स में कि जो व्यक्ति है वो तलवार के दम पर युद्ध को जीत सकता है, पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता है, पर अंत में उसे मृत्यु के आगे झुकना पड़ेगा, मृत्यु के आगे हार माननी पड़ेगी, वो मृत्यु को अपने वश में काबू में नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू सम मैन डू विथ स्वॉर्ड्स, यानी कि जो सम मैन, जो कुछ व्यक्ति हैं, वो स्वॉर्ड्स यानी कि तलवार के साथ क्या करते हैं। तो इसका आंसर है, सम मैन विन बैटल्स विद देयर स्वॉर्ड्स, यानी कि कुछ व्यक्ति इन अपनी स्वॉर्ड्स तलवारों के साथ जो बैटल्स होती हैं, युद्ध होती हैं, उसे जीत सकते हैं, यानी कि अपने तलवारों के दम पर वो युद्ध जीत लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू दे फेल टू डू, पर वो जो युद्ध है वो तो जीत लेते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है कि वो असफल हो जाते हैं उसे करने में। तो इसका आंसर है, दे फेल टू विन ओवर डेथ, यानी कि वो जो डेथ है, मृत्यु को ऊपर जीत पाना, मृत्यु पर काबू पाना में वो असफल होते हैं। फोर्थ स्टैंजा है, अर्ली और लेट दे स्टूप टू फेट, जल्दी या देरी के साथ या कभी ना कभी उन्हें किस्मत के आगे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ता है। एंड मस्ट गिव अप देयर मर्मरिंग ब्रेथ, और अपने जो उनके मर्मरिंग ब्रेथ हैं, बड़बड़ाते हुए श्वास हैं, वो उन्हें छोड़ने पड़ते हैं। व्हेन दे पेल कैप्टिव्स क्रीप टू डेथ, कब छोड़ने पड़ते हैं, जब पेल कैप्टिव्स की तरह यानी कि पीले पड़े हुए कैदियों की तरह रेंगते हुए मौत की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेल कैप्टिव्स का यहाँ मीनिंग है हेल्पलेस पीपल, यानी कि मजबूर लोगों की तरह रेंगते हुए मौत की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब मृत्यु के मुंह में आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि चाहे आप शक्तिशाली हो या कमज़ोर हो, कभी ना कभी आपको जल्दी या देरी से आपको किस्मत के आगे झुकना ही पड़ेगा, और पेल कैप्टिव्स यानी कि पीले पड़े हुए कैदियों की तरह या हेल्पलेस पीपल की तरह आपको धीरे धीरे रेंगते हुए मृत्यु के तरफ बढ़ना होगा और अपने जो मर्मिंग ब्रेथ है वो छोड़ने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टूप टू फेट, किसको किस्मत के आगे झुकना पड़ता है। ऑल मैन हैव टू बो टू फेट, यानी कि सभी लोगों को किस्मत के आगे बो होता है झुकना, सभी लोगों को किस्मत के आगे झुकना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पेल कैप्टिव, क्या इसका पेल कैप्टिव का क्या अर्थ है। द टर्म पेल कैप्टिव क्रिएट एन इमेज ऑफ हेल्पलेस पीपल हु आर एट द पॉइंट ऑफ डेथ, ये जो टर्म है ये कैसी इमेज क्रिएट करती है, किसकी इमेज क्रिएट करती है, मजबूर लोग की, मजबूर व्यक्ति की, जो व्यक्ति डेथ के बिल्कुल पॉइंट पर है, डेथ के बिल्कुल नज़दीक है, नियर है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फिफ्थ स्टैंजा, जिसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सम अप कर लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंजा क्या है। फिफ्थ स्टैंजा है, द गार्लैंड विदर ऑन योर ब्रो देन बूस्ट नो मोर योर माइटी डीड्स, जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने अपने माथे पर फूलों के हार मालाएं पहनी हुई हैं वो एक ना एक दिन मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, इसीलिए जो आपने पराक्रमी काम किए हैं, जो आपने शक्तिशाली काम किए हैं, उसको ढींग मत मारो, उसकी शेकी मत मारो। अपॉन डेथ्स पर्पल अल्टर नाउ सी वेयर द विक्टर विक्टिम ब्लीड्स, पॉइंट हैं वो ये कह रहे हैं कि सी वेयर कहते वहाँ देखो, उधर देखो कि कैसे हारा हुआ व्यक्ति और जीतने वाले व्यक्ति का जो खून है
वो मृत्यु की बैंगनी की जो वेदी है उसके ऊपर पड़ा है। जो वो वेदी है वो जीव विजेता और हारने वाले व्यक्ति के खून से लथपथ हुई पड़ी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पर्पल अल्टर है उसका मीनिंग है बैंगनी वेदी। जो अल्टर होता है वो एक डेकोरेटेड टेबल होता है जो कि एक धार्मिक समारोह का केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर बलि दी जाती है। ओ पर्पल इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि पहले के समय में लोग डेथ के टाइम पर्पल कलर के कपड़े पहनते थे। और इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जब व्यक्ति का जो खून है वो सूख जाता है तब वो जो खून होता है वो पर्पल बैंगनी रंग का हो जाता है, इसीलिए इसको पर्पल अल्टर कहा गया है। यानी कि इन फोर लाइन्स में पोएट ने कहा है कि अपने जो भी आपने जीवन में काम किए हैं उसकी शेखी मत मारो, उसकी ढींग मत मारो, ये जो मालाएं आपने अपने माथे में पहनी हैं ये कभी ना कभी मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी। और कैसे एक विजेता और हारने वाले व्यक्ति का को जो खून है वो पर्पल अल्टर पर बह रहा है, कैसे जो वेदी है वो खून से लथपथ हुई पड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गार्लैंड्स दैट विदर, जो मालाएं हैं हार हैं फूलों के वो जो मुरझा जाते हैं वो असल में क्या है। तो इसका आंसर है, गार्लैंड रिप्रेजेंट द ओनर ऑफ विनिंग वार्स, जो हार होते हैं फूलों के वो ओनर ऑफ यानी कि जो युद्ध जीते होते हैं, जो जंग जीती होती है उसके सम्मान को दर्शाती है, उसके मतलब ओनर को रिप्रेजेंट करती है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड वन नॉट बूस्ट ऑफ वंस माइटी डीड्स, क्यों व्यक्ति को अपने पराक्रमी कर्म जो शक्तिशाली काम किए उसके शेखी नहीं मारनी चाहिए, ढींग नहीं हांकनी चाहिए। तो इसका आंसर है, माइटी डीड्स कैन नॉट सेव एनीवन फ्रॉम डेथ, जो माइटी डीड्स किए होते हैं यानी कि जो शक्तिशाली काम होते हैं वो आपको या किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचा सकते। डिस्पाइट दिस इट इज़ यूजलेस टू बूस्ट ऑफ वंस पावरफुल डीड्स, इसीलिए इसके बावजूद भी हमें जो क्या है शेखी नहीं मारनी चाहिए अपने कामों के, अपने जो शक्तिशाली काम किए उसके ढींग नहीं मारनी चाहिए, ढींग नहीं हांकनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द विक्टर विक्टम, तो जो विक्टर विक्टम है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर है, द विनर ऑफ एनी वार बिकम्स अ विक्टम ऑफ डेथ, किसी भी युद्ध का विजेता विक्टम ऑफ डेथ यानी कि वो किसी भी युद्ध का जो विजेता होता है वो डेथ का मृत्यु का शिकार बन जाता है। हारने वाला व्यक्ति तो मरता ही मरता है, उसे तो मृत्यु प्राप्त होती ही है, परंतु जो विजेता होता है जो व्यक्ति जीतता है उसे भी अंत में किस्मत के आगे मृत्यु के आगे झुकना पड़ता है, यानी कि वो भी व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो जाता है। द पॉइट कॉल्स हिम द विक्टर विक्टम, इसीलिए जो पॉइट है उन्होंने विक्टर विक्टम वर्ड का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा क्या है। सिक्स्थ एंड लास्ट स्टैंजा, योर हेड्स मस्ट कम टू द कोल्ड टॉम्ब, जो आपके सिर हैं वो अंत में लास्ट में कोल्ड टॉम्ब में ठंडे मकबरे में जरूर ही आएंगे, यानी कि आपको जरूर ही मृत्यु प्राप्त होगी। Only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. क्या है जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं इन लाइन्स में कि आपकी धूल में से जो आपने समाज में अच्छे या उचित काम किए हैं उसकी मधुर गंध आएगी, वो पूरे समाज में जो मधुर गंध है वो फैलेगी। और इसके अलावा जो आपने अच्छे काम किए हैं वो फूलों की तरह पूरे समाज में पूरे संसार में खिलेंगे और महकेंगे। यानी कि जो पॉइंट है वो इन फोर लाइंस में ये कह रहे हैं कि लास्ट में सबको मृत्यु प्राप्त होगी और जब व्यक्ति मर जाता है तो व्यक्ति को याद नहीं किया जाता, व्यक्ति के काम को याद किया जाता जो उसने समाज की भलाई के लिए संसार की भलाई के लिए किए हैं, उसके कामों की जो मधुर गंध है वो पूरे समाज में फैलती रहती है और वो फूलों की तरह जो उसके काम है वो खिलते रहते हैं और पूरे समाज में महकते रहते हैं।
तो चलिए इस स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट विच मस्ट हैपन, वो क्या है जो जरूर ही होगा। तो इसका आंसर है ऑल मस्ट फाइनली मीट डेथ, सभी लोग जरूर ही मृत्यु से मिलेंगे, सभी को जरूर ही मृत्यु प्राप्त होगी, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता। क्वेश्चन टू, व्हाट इज द कोल्ड टॉम्ब अ सिंबल ऑफ, जैसे कि हमने सेकंड लाइन में पढ़ा था ठंडा मकबरा, इसका ये किसका प्रतीक है, सिंबल है। द वर्ड कोल्ड टॉम्ब सिग्निफाई डेथ, जो ठंडा मकबरा है वो मृत्यु का प्रतीक है, डेथ को सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आइडिया डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे, इस पोएम में जो कवि है वो क्या आइडिया, क्या संदेश कन्वे करना चाहते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं। तो इसका आंसर है ओनली गुड डीड्स रिमेन आफ्टर वंस डेथ, व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति के अच्छे काम ही जीवित रहते हैं, उसके अच्छे कामों को ही याद किया जाता है, ना कि व्यक्ति को याद किया जाता। Therefore, one should always be morally correct in one's actions. इसीलिए आप या और कोई भी व्यक्ति है, सभी को अपने कामों में morally, यानी कि नैतिक रूप से सही होना चाहिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी से, उचित रूप से, नैतिक रूप से करते रहना चाहिए, ताकि आपकी मृत्यु के बाद लोग आपको भी समाज में याद करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी पोएम है डेथ द लेवलर कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या पोएम में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल आईडी पर भी बता सकते हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी स्क्रीन पर मेंशन की है, khyati.sethi999@gmail.com। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, satguruinstitute999। ट्विटर अकाउंट पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।